लाल किले में भारत आया, पूरा भारत यही समाया। अमृतकाल में जब देश विकसित भारत के संकल्प को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन इस संकल्प की सिद्धि में अहम भूमिका निभा रहा है। अपनी समृद्ध विरासत से लगातार प्रेरणा लेते हुए आज 140 करोड़ भारतवासी पूरी एकता और एकजुटता से राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं। इस अमृत काल में 140 करोड़ देशवासियों के सपने संकल्प भी बनाने हैं। 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को सिद्धि में भी परिवर्तित करना है। और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। इस विकास यात्रा को भारत पर्व ने गत वर्षों में एक नई ऊर्जा दी है। उत्साह से भरे रंगों के आयोजन भारत पर्व ने देश की विविधता और जीवंतता को, स्थानीय कला और खान पान को एक सशक्त मंच प्रदान किया है। और फिर एक बार नई उमंग और उत्साह के साथ लाल किले पर लौट आया है भारत पर्व 2024। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पराक्रम दिवस के शुभ अवसर पर भारत पर्व में दिखेंगी 75वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल विकसित भारत की छवि और लोक संस्कृति को प्रस्तुत करती झांकियां। साथ ही होगी स्थानीय नृत्य और लोक संगीत की अनोखी जुगलबंदी। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करते भारत के कोने कोने से आए हस्तशिल्प के नायाब कारीगरों के होंगे बेहतरीन लोकल उत्पाद। इतना ही नहीं, देश भर के पकवानों से लगेगा राजधानी दिल्ली में स्वाद और जायके का तड़का। आज माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं इस 9 दिवसीय महा उत्सव भारत पर्व का उद्घाटन। तो आइए भारत पर्व 2024 में अधिक से अधिक संख्या में हिस्सा लें, क्योंकि ये पर्व है भारत की मिट्टी की सौंधी खुशबू को दिल से महसूस करने का। ये पर्व है देश पर गर्व करने का। ये पर्व है विश्व पटल पर नित नई ऊंचाई छूते भारत के गौरव गान का।